वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी सुबह के बज रहे 8:05 और आज बहुत लेट हो गया। डोडो को लेकर निकल गए हैं। डोडो ब्लॉग में है, गुड मॉर्निंग बोल दो सबको। दिखाओ इधर, दिखाओ फेस, दिखाओ शो योर फेस। तो चलते हैं गाइस फटाफट, डोडो को छोड़ के आते हैं, बहुत लेट हो गया। आज चनाचूर लेके आए हैं, ये देखिए चनाचूर, दाल चनाचूर है, मतलब तीखा चनाचूर है। और ये मुढ़ी है, इसमें मिला के इसको टिफिन के लिए रखेंगे। ऑफिस में जो खाने का मन करता है, भूख लग जाता है तो नीचे जा नहीं पाते, तो उसके लिए उसको बना के रख दिए, रख लेंगे। तो कभी कभार ऊपर में जाके, ऑफिस के ऊपर में जाके उसको खा सकते हैं। तो कोई नहीं गाइस, आपसे मिलते हैं ऑफिस चल के। वेलकम बैक टू माय ऑफिस ब्लॉग। और टाइम हो गया 10:15, आज फिर से लेट हो गया है। भैया लोग अभी तक कोई आया नहीं, थैंक्स गॉड। चलते हैं ऑफिस, देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है। निकल गया दिन का पहला काम लेके लाउडन स्ट्रीट, तो चलते हैं लाउडन स्ट्रीट का काम कर लेते हैं। और वहाँ पे नेचर स्टडी पढ़ के अगर देखते हैं, अगर खुला मिलेगा तो वहाँ पर एक प्रॉपर ब्लॉग बनाऊंगा और आप लोग के लिए प्रॉपर ब्लॉग आएगा नेचर स्टडी पार्क का, विच इज़ लोकेटेड इन लाउडन स्ट्रीट। तो चलते हैं गाइस फटाफट काम करके आते हैं, वहाँ पे चल के आपको थोड़ा वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। 1 बजे के बाद यहाँ पे रोड का टाइमिंग चेंज हो जाता है, जो जाने का रहता है वो आने का हो जाता है, जो आने का रहता है वो जाने का हो जाता है। तो हम लोग ठीक पार्क स्ट्रीट मोड़ पर खड़े हैं, ये पार्क स्ट्रीट का मोड़ है और ये राजस्थान क्रिकेट ग्राउंड है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है, अभी मार्च आने वाला है तो प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो गया, मैचेस सारी ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पे रुक गए, थोड़ा सा मैच भी देख लेते हैं 15-20 मिनट, और जैसे ही 1 बजेगा हम लोग काम के लिए निकल जाएंगे। मस्त प्लान है। और ये सामने में मेट्रो रेल का काम चल रहा है, आप देख सकते हैं कोलकाता मेट्रो। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा। तो ये जो गंगा रिवर के नीचे से मेट्रो आ रही है, उसी का एक स्टेशन यहाँ पे भी बनेगा। तो चलिए आपको थोड़ा सा स्टेशन का लुक दे देते हैं, कैसे बन रहा है। ये देखिए गाइस, मिट्टी सब काट के निकाला गया है अंदर से। तो स्टेशन का काम चालू है, तो अभी चलते हैं, 15 मिनट यहाँ पे रुक जाते हैं, रुक के अपना काम थोड़ा सा प्रैक्टिस इंजॉय कर लेते हैं, फिर निकल के अपने काम क्या है। अब आज भी वेट करना पड़ेगा। और देखिए जैसे टाइम चेंज हुआ, लाउडन स्ट्रीट में जाम लगना स्टार्ट हो गया है। तो गाइस देखते हैं कितना देर आज वेट करना पड़ता है, उसके बाद काम करके फिर ऑफिस के लिए निकलेंगे। हो गया है, अभी 2:05 बाकी है और आज भी 1 घंटा वेट करना पड़ा है। तो सर ऑफिस से फ़ोन किए थे कि सर आए कि नहीं आए, मतलब ये सर आए कि नहीं आए, तो हम बोले कि सर अभी तक नहीं आए, और कहाँ से ये अंदर ऑफिस में चले आए थे पता नहीं। तो बोले जाके देखो ऑफिस में वो बैठे हुए, और सही बात है, हम जैसे ही ऑफिस के अंदर इन करते देखते हैं ये सर बैठे हुए। तो कोई नहीं गाइस, चलते हैं ऑफिस, अपना काम हो गया, देखते हैं सर क्या बोलते हैं और मतलब कौन सा काम देते हैं। 10 मिनट हुआ और हम 10 मिनट में पक्का ऑफिस पहुंचे हैं। झूठ बोल रहा है। 2:09 में गाड़ी पार्क किए हैं, 2:10 में हम ऊपर जा रहे हैं। तो 10 मिनट में हम 5 किलोमीटर का डिस्टेंस, 5-6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किए हैं, फिर भी इन लोगों के चेहरे पे हंसी नहीं मिला है। तो कुछ भी करो, ये लोग नहीं हंसेंगे, चलते हैं ऑफिस। रोना, ये लोग अपना रोना रोएगा ही, अब सैलरी बढ़ाने का टाइम है, अप्रैल में सैलरी इंक्रीज़ होता है, अभी और ज़्यादा नाटक सुनने को मिलेगा। 16 मिनट टाइम हुआ है, लाउडन स्ट्रीट का काम करके आ गए हैं और सर बोले कि बाबू जल्दी से नाश्ता कर ले, अलीपुर जाना है। तो एज आई सेड गाइस, कि काम मेरे लिए रखा रहता है, कभी अलीपुर जाएंगे, विच इज़ टू मच फार फ्रॉम द ऑफिस, अप्रॉक्सीमेटली 13-14 किलोमीटर फ्रॉम द ऑफिस, कभी अलीपुर जाएंगे। बोले लेकिन एक अच्छा चीज़ बोले कि पहले नाश्ता कर लो फिर चला जाना। तो पहले हम लंच कर लेते हैं, फिर अलीपुर के लिए निकलते हैं गाइस। लेकिन मेरे साथ मेरा पार्टनर कैसे दूर रह सकता था, तो वो भी बेचारा आ गया खाने के लिए। देखिए इसका लंच देखिए, रोटी और किसी का सब्जी भाई, कुमड़ा का सब्जी पम्पकिन, और मेरा देखिए रोटी, कैबेज का सब्जी, लड्डू, अचार। तो गाइस फटाफट दोनों भाई लंच करते हैं, फिर काम पे निकलते हैं। इसको नीम तला का काम मिला है, मतलब भूतनाथ मंदिर के साइड पर। चल दिए काम पे अलीपुर का, पर मीनाल को एक एड्रेस दिए थे सर, वो जा नहीं पाएगा, इजरा स्ट्रीट बगल में है। तो सर के सामने कोई नाकी मारता है तो सर उसको काम नहीं देते हैं, और उसके वजह से हमको दे दिए। तो अब बताइए मेरे को उल्टा पड़ेगा, हम इजरा स्ट्रीट जाएंगे फिर अलीपुर जाएंगे। अब तो इसको बोले कि चल तू, हम पैदल चलते हैं, तुमको हम दिखा देंगे, तो इतना बड़ा गधा है, तो कोई भी आदमी है तो नाकी मारने से नहीं देगा काम करने के लिए। तो गाइस चलते हैं इजरा स्ट्रीट काम करके फिर अलीपुर के लिए निकलेंगे, मीनाल को भी दिखा देंगे।
मारपीट चल रहा है, कौशिक इसको मर्डर कर दिया, गला दबा दिया है। वहाँ भी मारा हेलो कौशिक, अभी इसको मार ही डाला था एकदम। एक एड्रेस एड्रेस बोला, ये एड्रेस नहीं बता पा रहा है। और देखो अधिक गाइस, देखिए रे बोतरा, देख रहे हैं सब, एक से एक जीनियस लोग हैं हम लोग के ऑफिस में, सब एक से एक जीनियस। मालिक जीनियस है तो स्टाफ लोग जीनियस नहीं होगा। वो घूम रहा है वहाँ गाड़ी छोड़ के, सोच रहे हैं गाइस क्या हाल है। अभी चलते फटाफट, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। इसको भी नीमतला जाना है, हमको भी अलीपुर जाना है, तो ये काम कर लेते फटाफट। यहाँ का काम कम्प्लीट हो गया हिजरा स्ट्रीट का, और हिजरा स्ट्रीट छोड़ के हम लोग आ गए। अभी हम लोग डलहौसी स्क्वायर पे हैं, और अब चलते हैं नीमतला। तो चला गया मीनाल, अब देखते हैं हम कितने देर में अलीपुर का काम करके आते हैं, क्योंकि अलीपुर यहाँ से बहुत दूर है। और अभी टाइम 3:20 हो गया है, चलते हैं गाइस। गाइस अभी हम लोग रुके हुए हैं SSKM हॉस्पिटल के मोड़ पे, और यहाँ से दाहिना हाथ बाया हाथ जाने पे माँ फ्लाई ओवर, और सीधा जाने पे अलीपुर, बाया हाथ में रेस कोर्स। पहुँच गया है, और ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आधा घंटा टाइम लगा। और ये अलीपुर का इलाका है, मैं पीछे ठीक सैनी हुंडई का शोरूम है। तो गाइस चलते फटाफट, अब यहाँ का काम करके देखते कितने जल्दी ऑफिस पहुँच पा। कितने बजा नहीं है, 4 बजने में 2 मिनट बाकी है, और निकलते हैं अब ऑफिस के लिए। अब तो शायद कोई काम ना हो, काम नहीं है करके आज कितना सारा काम हो गया। तो गाइस ये अलीपुर का इलाका है, और बस निकलते हैं ऑफिस के लिए। एक साइड है वाटर कोइंग सीडेंट, और सर लोग अभी तक गए नहीं हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। चलते हैं गाइस, देखते हैं ऑफिस। इतना ही 6 बज गया, और रहस्य मूवी देख रहे थे, जिसके वजह से थोड़ा सा लेट से निकले, नहीं तो 5-10 मिनट पहले ही निकल जाते। और ये भाग रहा था, ही वॉज एस्केपिंग, और इसको हम पकड़ के रखे कि रोज बेटा पहले भागता, आज रुक, हम एक साथ जाएंगे, क्योंकि ब्लॉग का एंड दोनों दिन करेंगे। तो ये भाग रहा, चलो गुड नाइट आज के लिए, मीनाल को गुड नाइट बोलते हैं, कल मिलेंगे मीनाल को। गाइज आपको आज का ऑफिस ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, मिलते हैं होम ब्लॉग पे। गाइज कितना भी रोके उसको भाग गया, उनको फाकी मार के भाग गया, बोला कि हम 6:10 का ट्रेन है उसका एक, उसके बाद 7 बजे, मतलब बहुत दूर दूर से आता है गाइस, तो जिसके वजह से वो जल्दी भाग जाता है। वो बंगाली बाबू कौशिक ये लोग सब कोई हमारे ऑफिस में जितने भी स्टाफ है सारे दूर दूर से आते हैं। तो चलते हैं गाइस, जब मिलते हैं होम ब्लॉग में। गाइस इसको शॉक कर दूं, शॉक शौक मिलेगा अभी देखिए। अरे कहना क्या चाहते हो पापा? ठीक है, आइसक्रीम है। ब्लॉग में दिखाओ या। दिखाओ क्या क्या है। आइसक्रीम वनीला, वनीला चॉकलेट। आज बहुत दिन के बाद गाइस इसको चॉकलेट खाने के आइसक्रीम खाने के लिए, आइसक्रीम नहीं है ये केक है। ये क्या है, इसके ऊपर भी वही है। अरे हैप्पी गाइस, अभी जस्ट घर पहुंचे हैं, दुकान की तैयारी करते हैं। अब डोडो को डोडो का सामान मिल गया, फोन करके आज बोला था मेरे को। डोगो का सर दर्द कर रहा है, बुखार लगा हुआ है, पेट दर्द कर रहा है, ये सारा चीज इसको तभी होता है जब ये खाना खाता है या पढ़ाई करता है ना बेटू। अभी आइसक्रीम लेके आए इसके लिए, आइसक्रीम नहीं केक, तो केक भी नहीं खाया, कि नहीं खाया ना केक लाडू, केक नहीं खाया ना। तो गाइस अभी इसको डॉक्टर के पास लेके जाना है, क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा। अभी दुकान भी जाना है, अभी ये बोल रहा है डॉक्टर के पास जाऊंगा, देखते हैं गाइस कि जैसे जो होता है डॉक्टर के पास लेके जा पाते हैं कि नहीं। 10:30 बज गए एज यू कैन सी द टाइम, और अभी तक हम घर नहीं आए, एक बहुत कॉम्प्लिकेटिव काम लेके बैठ गए थे, एक ही काम किए हैं तब से उसी को लेकर पड़े हुए थे, मतलब कोई कस्टमर आया नहीं था, एक ही जन आया उसी का काम लेके इतने देर से पड़े हुए थे। तो गाइस आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑफिस ब्लॉग और होम ब्लॉग अब दोनों एक साथ आ रहा है, तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर हो सके तो इंस्टाग्राम हैंडल भी मेरा है डिस्प्ले हो रहा है, चाहे तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं शॉर्ट्स के लिए। तो मिलते हैं गाइस, अपना ध्यान रखें, सही से रहें।
कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ नए दिन के साथ। टेक केयर, गुड नाइट, जय श्री राम।